तो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैं फिर आ गई हूँ छत पे। तो ये मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, वो जस्ट अब कंप्लीट ही होने वाला। कंप्लीट तो अभी बाकी है, बट ये छत मतलब जो होता है ना, वो ढलाई बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये जिस दिन ढलाई होगा उस दिन मतलब हम लोग के यहाँ मतलब खाना वाना बनता है, जो मिस्त्री लोग खाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए, अभी मैं नीचे जाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, आर्यन को भी दूँगी, उसके पापा को भी दूँगी। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, तो चलिए नीचे चलते हैं। उसका अभी आर्यन के पापा बहुत अच्छे हैं, पहले से बेटर है, बहुत कुछ मतलब बहुत ही अच्छे हैं पहले से। और इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट आए सबको, मतलब मेरे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो देख लीजिए, ये होने वाला मेरे ब्रेकफास्ट। तड़का है चना दाल का, रोटी है जो कि मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि आज है सैटरडे। और वैसे भी जब से आर्यन का बाबा तबीयत ख़राब, मैं हल्का ही खाना बना रही हूँ। तो चलिए मैं खिचड़ी भी बना लेती हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा खिचड़ी, देखिए मैं बना रही हूँ, बिल्कुल भी सिंपल, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बना के मैंने खाना भी निकाल दिया है, क्योंकि खाओगे थोड़ा, मुझे रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद हम लोग को कहीं जाना है, कहाँ जाना है आप लोगों को बताऊँगी। तो देख सकते कितना यम्मी लग रहा है। और ये फ्रूट मैंने काटा है जो कि आर्यन के पापा खाएंगे। तो ये रहा, और उसके बाद ये खिचड़ी है। तो चलिए खावा लेते हैं, उसका रेडी होने के बाद मिलते हैं। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब निकलूँगी। धूप यह ज़्यादा लग रहा है, तो कोई नहीं, निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कल वीडियो भी छोड़ना है। और अभी मेरा भी तबीयत अब सही नहीं लग रहा है, जैसे ना ये पार्ट हो मतलब दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, क्या रीज़न है, या फिर मैं तकिया ठीक से नहीं रखी होंगी। तो अभी सब ठीक चल रहा है। आर्यन के पापा भी ऑफिस गए, मतलब ड्यूटी गए हुए हैं, उनको मैंने खिचड़ी उचड़ी बना के दिया, आप लोगों को दिखाया मैंने। तो चलिए अब निकलती हूँ, और मुझे एक रेस्टोरेंट है जिसमें जाना है, जो कि मैं पूजा में गई थी बट नहीं जा पाई थी। आज सोच रही हूँ जाऊँ, तो देखती हूँ वहाँ पर जाके मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं, तो फिर आप लोग से दिखाती हूँ। आर्यन भी जा रहा है, आर्यन रेडी हो रहा है, तो मैं निकलती हूँ, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। निकल चुके हैं, और धूप आप लोग देख सकते हो, आर्यन भी है। आर्यन धूप बहुत खतरनाक हो रहा है, क्या करें, निकलना तो पड़ेगा ही, वो तो डेली रहेगा, कभी धूप कभी बारिश। तो चलिए चलते हैं, पहले टोटो ले लेते हैं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक ये हम लोग का एरिया है, देखिए कभी यहाँ का पानी ख़त्म ही नहीं होता है, क्या ही बोले, इसी में बार बार हम लोग को जाना पड़ता है, क्या ही करेंगे, रास्ता यहीं से है। और एक रास्ता है जो कि थोड़ा दूर पड़ता है, तो नहीं जाने का मन करता है, क्या बोलेंगे। चलिए टोटो ले लेते हैं, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्या बोले, देख सकते हैं पानी आप लोग। तो चलिए टोटो लेके करती हूँ। देखिए मैंने टोटो ले लिया है, बट बहुत सारे मतलब टोटो में लोग थे कि मैं कुछ मतलब बोल नहीं पा रही थी। तो चलिए मैं वहाँ रेस्टोरेंट पहुँच के आप लोग से ये बात करती हूँ। फाइनली देखिए, हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। यही रेस्टोरेंट है जो कि हम लोग के घर के पास ही पड़ता है, इसलिए मैं सोची यहीं जाऊँ। यहाँ बहुत अच्छा अच्छा मतलब खाना भी मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं एक बार आ चुकी हूँ, भाई और मम्मी के संग ही आई थी, मैं आर्यन और भाई मम्मी आए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने बिरयानी ट्राई किया था। तो चलिए क्या लेते हैं क्या नहीं, आप लोग को वो भी दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो मुझे फिर से आए यहाँ से आवाज़ को कट करना पड़ा, क्योंकि बज रहा था सॉन्ग, मैं बहुत अच्छे से बना रही थी। बाद में जब मैं वीडियो एडिट करने आई हूँ, तब देख रही हूँ कि गाना बज रहा है यहाँ पे। तो मैं बोल रही थी कि आर्यन को खाना था बिरयानी, बट यहाँ पे बिरयानी नहीं मिला, मतलब थाने ख़त्म हो गया होगा। तो लास्ट हम लोगों ने जो मंगाया है वो देखिए आप लोगों ने कि क्या मंगाई हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, तंदूरी रोटी था, और ये मटन कोसा था जो कि बहुत टेस्टी था, और मैं यहाँ पर खा रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा।
आर्यन अभी भी खा ही रहा है, तो चलिए इसे खा लेने देते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो इस वीडियो को फिर करते हैं कंटिन्यू, क्या करेंगे क्या नहीं, जो कि आप लोगों को दिखाएंगे, ये ऐसा नहीं है। तो बस वीडियो में बने रहिए। आके निकले हैं और इसको पीना है बादाम शेक, तो चलिए इसके लिए ले लेते हैं। और खाना सच में अच्छा लगा हम लोग को, बट एक पोपट हो गया जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। मुझे हंसी भी आ रहा है, मैं अभी तक कहाँ पे हूँ यही मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा लग रहा है यार। मैं खाना से पेट नहीं भरा था, अच्छा लगता है इसलिए। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कुछ लेंगे या नहीं, फिर घर जाते हैं। तो देख लीजिए वो पीने के बाद यहाँ पे आ गए थे हम लोग बड़ा पाव लेने के लिए। क्या आर्यन बोला मम्मी ले लीजिए हम खा लेंगे या फिर रिजका को दे देंगे, तो चलिए ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं क्या नहीं देखते हैं। चलिए ले लेते हैं, फिर यहाँ से अगर टोटो मिलता है तो टोटो ले लेते हैं, क्योंकि रिजका के लिए ले लेंगे या फिर आर्यन अगर खाएगा तो। आर्यन बोला मम्मी ले लीजिए अभी तो नहीं खाएंगे लेकिन थोड़ा देर बाद खाएंगे, तो ले लेते हैं। तो चलिए टोटो लेते हैं फिर आप लोग, या फिर कुछ और करते तो आप लोग। बड़ा पाव लेने के बाद देख लीजिए यहाँ पे मुझे दिखा अमरूद, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो मैंने ले लिया। वो ले ही रही थी तो यहाँ पे देखा कि मैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। क्या ही बोलो, अच्छा था कि ज़्यादा चोट नहीं आया था। उसके बाद मुझे यहाँ से लेना था अपने फ़िल्टर के लिए बैटरी, जो कि मैं आ गई थी लेने। तो चलिए फटाफट इसे भी ले कर मैं अब घर निकलती हूँ, क्योंकि अब अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए टोटो में जाती हूँ, अब क्या ही बोलूँ। टोटो में बैठ चुके हैं और आर्यन के हाथ का सामान है, जो कि उसको गुस्सा आ रहा है। चलिए चलते हैं घर जाके, यही एंड करेंगे और क्या करेंगे, या फिर जो होगा दिखाएंगे। चलिए कर चुके हैं, चलिए अब घर जाके ही इस वीडियो को क्या करेंगे, कंटिन्यू तो करेंगे नहीं, कुछ अगर बात होगा तो बात करेंगे फिर एंड करेंगे। और आर्यन देखिए उसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो सामान लेके जा रहा है। तो चलिए घर जाके ही आप लोग से क्या करते हैं बात। फैमिली में आ गई हूँ, आए हुए मुझे हो गया थोड़ा टाइम, मैं थोड़ा रेस्ट भी कर रही थी, रील्स बना रही थी जोश ऐप के लिए, जो कि हो गया है। और भी थोड़ा बहुत बनाना बाकी है तो मैं बनाऊँगी। और बात ये हुआ ना, मैं जो रेस्टोरेंट गई थी ना, तो वहाँ पे थोड़ा हो गया पोपट नहीं हुआ, मुझे नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें क्या छुपाना, थोड़ी ना लोग पहली बार ही सब कुछ सीख लेते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने खुद से पहली बार पेमेंट किया है रेस्टोरेंट में, कभी मैं खुद से पेमेंट कभी नहीं की। या फिर आर्यन गया तो आर्यन, या फिर जो भी मेरे संग गया जैसे भाई, या फिर जो भी मेरे संग गया वही किया है पेमेंट, मैं खुद से कभी नहीं की हूँ तो मुझे नहीं आता है। तो जब मैं खा वाली तो वो पूछे कि वो कंप्यूटर में कुछ कर रहे थे, और मुझे लगा ना वो कार्ड पेमेंट से कुछ करेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। तो जब वो नाम पूछे तो मैं बोली कि मुझे कैश पेमेंट करना है, तो बोला मैम आपका नाम बताइए, तो मैं बताई अपना नाम निधि सिंह। तो आर्यन बोल रहा है मम्मी वो ऐसे ही नाम पूछते ही हैं, फिर नंबर मांग रहे थे फ़ोन नंबर, तो आर्यन दिया। उसके बाद से वो कैश पेमेंट हम दिए, उसके बाद से आर्यन जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा मम्मी आपसे वो कैश पेमेंट के लिए नहीं बोल रहा था, नाम पूछ रहा था ये वो। तो ठीक है, मुझे नहीं आ रहा था समझ, मुझे खुद भी समझ में आ रहा था कि क्या मेरे को ऐसा लगा कि मतलब, और वो भी पूछ रहे हैं कि आप पहली बार आई हैं, तो मेरे को क्या पता वो क्यों पूछ रहे हैं पहली बार आई हैं, शायद मेरे वो सोच रहे हो कि मैं दूँ। ठीक है, मुझे नहीं आता, मैं सीखते सीखते ही सीखूँगी, बस सीख रही हूँ, कभी मैंने ये सब किया नहीं है, बस कर रही हूँ, तो शायद मैं सब कुछ सीख लूँ। तो हमेशा तो भाई के संग कभी किसी के संग गई हूँ, तो मुझे उतना पता है नहीं कि क्या क्या किया जाता है, कैसे क्या होता है। तो देखती थी बट उतना समझ नहीं आता था, और आज खुद से पेमेंट की हूँ तो थोड़ा बहुत समझ आया है। तो होता है गलती से ही, तो सबसे ही होता है, शुरू में जब कर रही हूँ तो गलती होगा ही। तो बस यही था, और अच्छा लगा, खाना वाना सब कुछ अच्छा था, आप लोग वीडियो में देख ही लेना। और कल जो मेरा वीडियो मैंने जो छोड़ा है बेड इन माई लाइफ का, उसमें बहुत अच्छा अच्छा कमेंट, कुछ ही कमेंट आया है बट बहुत अच्छा अच्छा आया है, इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा इतना साथ देते हो, इतना अच्छा कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच बता रही, बहुत हिम्मत मिल रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो 3-4 दिन गया, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज थोड़ा मतलब ठीक लगा, तो मैं सोचूं मुझे वीडियो भी बनाना है, क्योंकि मुझे देना भी है वीडियो। तो ये सोच के बस जस्ट मैं अपने घर के कुछ ही दूर पे था वो रेस्टोरेंट जिसमें मैं गई थी, तो सोचा मैं जाकर क्यों ना एक वीडियो बना दूँ, तो ये मैंने किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
मिलूंगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए, अगर कुछ आप लोगों को मतलब वीडियो पसंद है या कुछ बनवाना है मेरे से, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। तो बाय।